लखनऊ में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मॉर्निंग संवाद किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी के लोग टोटी खा सकते हैं तो वो टिफिन भी खा सकते हैं। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता अनूप चौधरी ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी से खास बातचीत की। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान चला रही। 1 जून से 30 जून तक महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत आज मनोज तिवारी जो भाजपा सांसद हैं उन्होंने आज मॉर्निंग संवाद किया, लोगों से बातचीत की। लोगों में जो भाजपा के प्रति उत्साह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें पूरी की पूरी 80 सीटें लोकसभा सीटें जीते। हमारे साथ सांसद भी आज मनोज तिवारी सांसद है उसी अभियान के तहत, महाजनसंपर्क अभियान के तहत आज उन्होंने लखनऊ में मॉर्निंग जनसंवाद किया था, लोगों से बातचीत की थी। तमाम लोग थे और मॉर्निंग संवाद में आप भी। सर, आज जिस तरह से महासंपर्क अभियान चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आज जो मॉर्निंग संवाद किया है? महासंपर्क अभियान जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी हमारा संगठन है, सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके माध्यम से एक एक व्यक्ति के पास पहुंचकर, भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों के पास पहुंचकर उनको उनकी जानकारी देना, उनके बारे में बताना और कैसे हम संगठन को नीचे तक ले जा सकते हैं, संगठन के विषय को संगठन के माध्यम से, इसके लिए एक महाजनसंपर्क अभियान 9 वर्ष के मोदी जी के कार्यकाल के। क्या लगता है 80 का जो लक्ष्य आप लोगों ने, ट्रिपल इंजन की सरकार है? ट्रिपल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें आएंगी। इसमें कोई आज हमारे दिल्ली प्रदेश के माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय सांसद और भोजपुरी के अभिनेता माननीय मनोज तिवारी जी भी हम लोगों के बीच में है, आज उनका जनसंपर्क है। सांसद मनोज तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, उन्होंने मॉर्निंग संवाद किया था। सर, आज जिस तरह से मॉर्निंग संवाद किया था, क्या क्रेज लग रहा है, क्योंकि यूपी में ट्रिपल इंजन की सरकार है और जो लक्ष्य है आपका पूरी की पूरी जो है 80 सीटें जीतेंगे? इस बार तो ऐसा लग रहा है कि 80 सीटें आ सकती हैं, क्योंकि हर प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार को भी लोगों ने परखा है और जो लोग इमोशन के आधार पे कि नहीं नहीं रायबरेली हमारा बहुत जन्मसिद्ध अधिकार है, अमेठी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो वहाँ के लोगों ने भी अब ये सोचना शुरू कर दिया कि भैया एक दो विधायक जरूर दे सकते हैं लेकिन अब सांसद नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी को नहीं दे सकते। और सही बात है, जब कल इतिहास लिखा जाएगा कि भारत को गर्वित भारत, भारत को विकसित देशों के भी सम्मान का देश बनाने वाले जब लोग वोट कर रहे थे तो उसमें कुछ लोकसभा संसदीय क्षेत्र कैसे पीछे रह गए, अब लोग नहीं पीछे छोड़ेंगे, सब कोई आएगा और कमल दबाएगा। सर, जो मॉर्निंग संवाद था उसका भी एक्सपीरियंस बताइए, किस तरह से लोगों में क्रेज था भाजपा को लेकर, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है यूपी में। अरे वो बड़ा बढ़िया था, सवेरवा हम गए तो हमको जाते समय तो लगा कि चलो हम भी वॉक कर रहे हैं, कुछ लोग नमस्ते हो जाएगी, लेकिन लोग हमें रोक रोक के, जो हमको कहना चाहिए था वो हमको कह रहे थे लोग, मोदी जी को बोल देना बिल्कुल चिंता न करें, मोदी जी हमारे दिल में हैं। कोई कोई तो ऐसा आदमी आ गया कि हमको पकड़ के रोने लगा, एक कोई पटेल जी थे वो रोने लगे, बोले कि इन 900 चूहा सब मोदी जी को कुतरने में लगा है, और कहते कहते रोने लगे कि कहीं कुछ उनको नुकसान तो नहीं करेंगे सब। मैं भी इमोशनल हो गया। अच्छा सर, जिस तरह से ये चाहे टिफिन पर चर्चा हो, महासंपर्क अभियान हो, समाजवादी पार्टी लगातार भाजपा पर निशाना साध रही, टिफिन पर भी आरोप लगा रहे, टिफिन पर भी उन्होंने बड़ा निशाना साधा कि टिफिन हम खा जाएंगे। वो टोटी खा सकते हैं तो टिफिन खाने में कितना टाइम लगेगा, कोई बात नहीं भैया, आप हमेशा तो आप जनता का हक खाए हो, आप लोगों के अधिकार खाए हो, और ये भी खा के देख लेना, हम खाने से कम खिलाने में विश्वास। आप भाजपा सांसद मनोज तिवारी जी थे जिनका साफ कहना है जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का यूपी में 80 सीटें जीतने का, वो 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। विजय रश्मि सिंह के साथ अनूप चौधरी, अनादि टीवी, लखनऊ।